एंड प्लस टुडे द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग इज वेयरिंग स्पोर्ट शूज एंड गोइंग आउट. तो आज तो रीजन है पहनने का. सो दैट्स अमेजिंग. या बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल मैं जिम काफ़ी सीरियसली करती हूँ, तो महीने में एक बार तो पक्का यू नो जिम शॉप्स पे जहाँ पे बहुत क्लिक भी होती हूँ, तो आई गो देन आई बाई लॉट ऑफ स्पोर्ट्स वेयर बिकॉज आई यूज इट ऑल द टाइम एंड आई एम इन दैट द होल डे. फिटनेस मंत्रा एक्चुअली लॉट्स, बट आई वुड जस्ट से दैट डू इट एवरी डे. एक हफ्ते में एक बार करके इट्स नो पॉइंट. डू इट एवरी डे, दैट्स इट. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आई एम डूइंग अ तेलुगु फिल्म कॉल सव्यसाची और मेरा बॉलीवुड फिल्म जैन में स्टार्ट होगा. नहीं, बॉलीवुड से ज़्यादा हॉलीवुड. अरे नहीं, मैं पहले बॉलीवुड कर लेती हूँ उसके बाद. मैम अभी रिसेंटली वापस एक कास्टिंग कॉल्स का इशू है. किसका? ओके यार, जस्ट रिसेंटली का है. उसके बारे में क्या हो रही है अभी भी कास्टिंग कॉल्स? आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई देखा जाए तो? कुछ मुझे एक्चुअली कभी फेस नहीं करना पड़ा, लकीली. आई थिंक क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं बाहर नहीं जाती हूँ, पार्टी नहीं करती हूँ. आई थिंक आई एम जस्ट लाइक स्टक इन माई हाउस एंड लकीली आई डिडंट हैव टू फेस इट. तो या बट इट्स सैड. आई थिंक दिस स्टॉप होना चाहिए अगर होता है तो, बट आई डिडंट हैव टू फेस इट. जी, थैंक यू. सो सर, व्हिच वन इज योर फेवरेट ब्रांड? आई एम वेयरिंग क्लार्क्स, सो आई थिंक क्लार्क्स इज माय फेवरेट ब्रांड एंड दे हैव अदर गुड ब्रांड्स एज वेल, बट आई एम वेयरिंग क्लार्क्स बिकॉज़ आई फाइंड दीस डैम कूल. आई कैन वेयर देम विद एनीथिंग. Okay, so when you go for clubbing and any the places like shoots and also, which brand you consult? यार मैं ना उस मामले में थोड़ा कच्चा हूँ, क्योंकि मुझे चप्पल पहन के घूमने में बहुत मज़ा आता है. तो मैं एक तो नाइट क्लब जाता नहीं हूँ ज़्यादा, तो अगर शूट वूट पे जाता हूँ तो आई हैव अ लुक. आई हैव माय शॉर्ट्स, आई हैव माय चप्पल्स एंड आई हैव अ गंजी. दैट्स माय शूट गोइंग लुक. बट इफ आई गेट अ चांस देन आई मैम यहां पे अभी आई हैव माय कपल ऑफ ब्रांड्स आई कैन टेल यू. कौन से ब्रांड्स हैं? चप्पल्स भी अभी देख रहे हैं. बहुत से ब्रांड्स हैं. देयर इज नाइकी, देयर इज क्लार्क्स, देयर इज ऑल दीस ब्रांड्स आर देयर वेरी गुड. ओके, सो व्हिच लाइक योर फिटनेस थेरेपी यू वांट टू शेयर? फिटनेस थेरेपी ये है कि यार खाना साफ खाओ, ईट क्लीन, ट्रेन हार्ड. दैट्स द ओनली पॉलिसी यार, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. सो मैं भी वही करता हूँ एंड जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिन सब ट्रेनर्स को अब्रॉड, वो भी यही करते हैं. सो आई थिंक दैट्स द वे टू गो. ओके, सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू वांट टू शेयर? आई हैव टू फिल्म्स इंशाल्लाह कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर. देयर इज अ फिल्म कॉल्ड मखना दैट आई एम डूइंग, दैट्स गॉट तापसी एंड मी. इट्स अ लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर वाशु बगनानी एंड आई हैव जस्ट साइंड अ फिल्म कॉल्ड रेस 3. जी, सो किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? नहीं, अभी रेस 3 की शूटिंग होनी है, स्टार्ट होनी बाकी है. मतलब वी स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th ऑफ नवंबर. तो आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट दैट. वो वाली पिक्चर की शूटिंग मैं खत्म कर चुका हूँ. स्क्रिप्ट आपको मैं भिजवाता हूँ इस इंटरव्यू के बाद, मैं आपके घर भिजवा देता हूँ. आप आराम से पढ़ो और बताओ कौन क्या कर रहा है पिक्चर में. हाँ बिल्कुल मिला है यार, एक्टिंग कर रहा हूँ तो मिला ही है. बट जब पिक्चर आई तब देखना है यार. स्क्रिप्ट अभी बता दूंगा, थ्रिलर पिक्चर में फिर कैसे बात बनेगी. थैंक यू, माई प्लेजर. थैंक यू. Which is my favorite brand? Well, you know what I'm wearing tonight is Nike, and actually it's very difficult to decide a favorite brand, you know. I think because sneakers have become more of a boys thing, like how women used to love shoes. I think guys really really like their kicks, and I love shoes. I totally love shoes. So picking one brand is hard, but I do love Nike, I do like Adidas. You know, I could name a couple of them, you know. Okay. Haan ji. Sneakers, yeah, sneakers sabse zyada comfortable hai, aur mera thoda extreme hai. If it's not sneakers, it's boots, you know. I love wearing boots as well, but tonight's all about sneakers. It's a really cool concept put in together by Toast Harshad and Myntra, that it's a pub crawl, and I'm really looking forward to it. Okay, jaise ki normally aap shoots pe jaate ho, wo time pe aap kaun se shoes wear karna pasand? Wow, this is all going to be about joote na, joote and chappal. Usually jab main shoot par jata hu to main chappal mein jata hu yaar. Very rarely do I really lace up to a shoe because wahan par jaakar hame kapde utarne hote hain hamare costume pehnne ke liye, is what I mean. So yeah. Okay, so normally aap serials mein debut karte hain, jaise ki abhi aapke friend Karan Vahi 8-3 kar rahe hain, to aap kab Bollywood mein nazar aayenge? मैं करण भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा फॉर हेट स्टोरी. आई रियली वांट टू टेल हिम हैव अ फैंटास्टिक शूट. मेक श्योर यू एंजॉय द शूट इफ यू नो व्हाट आई मीन एंड हैव अ गुड वन. आपका शॉर्ट रोल जी
जी जल्दी यार जल्दी इन ऑल गुड टाइम व्हेनेवर समथिंग डज मटेरियलाइज आई बी वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट अच्छा जी और जी मैं आपके रोल काफी सराहा गया मैम देखा जी पता नहीं सराहा है क्या या मैम मैं भी पब्लिक रिव्यू किया नहीं मुझे लगता है हर एक्टर को सीख के आगे I can't commit to any brand at the moment because I wear every single one of them. For running, I wear something else. For hanging out, I wear something else. For working out at the gym, I wear something else. I probably have more sneakers in my closet than I have high heels. So that's how much I love sneakers, and I'm super excited about this Myntra Sneaker Club. In fact, I should be president of it. Sports mein brands ki kitni ahmiyat hai dekha jaye to? Haan ji. Sports mein kitni brand ki ahmiyat hai? Sports mein brands ki bahut ahmiyat hai kyunki कुछ ब्रांड्स जो होते हैं दे गुड फॉर सर्टन काइंड ऑफ शूज सर्टन काइंड ऑफ गियर तो एंड एंड अ सर्टन काइंड ऑफ क्वालिटी जब आप फील्ड पर हैं जब आप वर्कआउट कर रहे हैं जब आप दौड़ रहे हैं यू कांट आई मीन क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिर इम्पैक्ट जब आप दौड़ रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ शू हैज़ यू नो गुड इम्पैक्ट क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग दैट्स हाई इंटेंसिटी अच्छा अभी इंडिया इक्वल हो गया सीरीज देखा जाए तो इंडिया न्यूजीलैंड का अभी नेक्स्ट फाइनल मैच है उसके लिए कुछ क्या क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कुछ इंडियन क्रिकेट टीम बिल्कुल रोल पर है इज ऑन अ रोल एंड आई थिंक वी आर अनस्टॉपेबल अच्छा हुआ कि इस सीरीज़ में कहीं तो कुछ कॉम्पिटिशन मिला नहीं तो कहीं आप देख रहे हैं पिछले कुछ सीरीज़ में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइस क्लोज गेम एट द एंड बस एक्चुअली ये एक चीज़ है पब कॉलर जो हम स्नीकर्स में पार्टी करने को प्रमोट कर रहे हैं जैसे हमने हमेशा किया है आई ऑलवेज वेयर स्नीकर्स हमेशा मैंने स्नीकर्स ही पहना है क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि दिन भर और स्पेशली अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ देव उसमें तो बूट्स में घूमते रहता हूँ पूरा दिन तो एनी टाइम आई गो आउट इन द इवनिंग्स जब मैं जाता हूँ तो मैं स्नीकर्स ही पहनता हूँ तो यही एक इवेंट है जिसके लिए हम आए हैं और हम साथ में यही कर रहे हैं आज शाम को I am usually in love with all the sports brands. So I work out a lot, as everybody knows. So I'm always in the gym. Puma, Adidas, Nike, Reebok, all the top brands. I always that is the only shopping I do. If I actually get out and I shop, it's in one of these shops. You'll never see me in any of the other brand shops. अगर किसी एक को choose करना पड़े तो किसे choose करेंगे? इनमें से किसी को choose नहीं कर सकता, but अलग-अलग चीजें हैं. I mean shoes. You have to vary it. सबके अलग स्टाइल और फिलहाल क्या कर रहे हैं इन लोग अलग अलग डिज़ाइनर्स से कोलैबोरेट कर रहे हैं जैसे Stella McCartney has come along with Adidas और कोई ना कोई एक ब्रांड के साथ टाइप करता है तो यू गेट न्यू फैशनेबल थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस नाउ लाइक आई एम वेयरिंग दिस पेप्सी शूज पेप्सी हैज टाइड अप विद नाइकी तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ें हो रही है एंड इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट व्हाई नॉट सो समथिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन स्पोर्ट इन ट्रेनिंग इन स्नीकर्स सो tough question I'll tell you one thing about actors kya hota hai ki being a brand ambassador is something honorable no doubt I have done a few things myself maine onida kiya tha to devil tak ban gaya tha main lekin it's important that somebody comes to you first of all let me be very honest ke everybody does not get offered to be brand ambassador of brands so first of all it should be a brand that comes to you to aise nahi ki nike adidas reebok tino saath mein ek time pe aane wale hai mere paas lekin jo aayega that's important but secondly you should be happy with the creatives more importantly rather than the designs of the shoes as an ambassador lekin this is not for that this is here we are specially here for the designs and the culture and what we are doing with it today
एंड जो प्लान है आज इवेंट का आई थिंक इज वेरी एक्साइटिंग एंड दैट्स व्हाई I'm exclusive with the show I'm doing right now, Dev, and Dev is something which is not allowing me to do any other fiction outside. So, ek season khatam hone wala hai abhi. I think by November 1st week we will finish season 1, and we are going to season 2 thankfully because the show has done well. So, in between non-fiction, jitna bhi kar sakta hu, lekin fictionally I can't do anything. Movies I can, and Total Damal is coming up next. So yeah, that's the way things are going. मतलब देव को काफी सराहा रहे लोग देखा जाए तो इसके आगे और भी पार्ट्स बन सकते हैं जी सीजन टू इसके एपिसोड्स कुछ लिमिटेड थे तो फिर या 26 एपिसोड का सीजन है देव और इसके बाद सीजन टू आई थिंक कुछ ही महीनों में रेडी हो जाएगा हम चाह रहे नहीं हैं कि ये ज़्यादा डिले हो क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड जैसे मैंने कहा है कि आई कॉन्ट्रेक्चुअली आई कान गेट और मैं और कुछ साइन भी नहीं कर सकता हूँ तो दे बेटर मेक इट फास्ट थैंक यू मिंत्रा स्नीकर क्लब से किस तरह से बताइए कुछ भी जो स्टाइल और फैशन है मज़ा आता है और मिंत्रा हैज़ बिन लाइक अ पायनियर एंड ऑल्सो वैंस आई एम वेयरिंग वैंस शूज आई हैव ऑलवेज लव वैंस सो या लेट्स सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट तो लगता है मज़ा आएगा इसके बाद और भी चार पब में जाना कितना एक्साइटेड है बहुत बहुत लंबी है रात तो देखते हैं कितनी देर तक रह सकते और नींद ना आए पर बहुत सारे दोस्त भी आएंगे तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रियली फन नाइट ओके सो लाइक मोस्टली यू गो ऑन शूज एंड आल्सो व्हिच ब्रांड यू लव टू वेयर एंड इन व्हिच फुटवेयर यू आर मोर कंफर्टेबल आई हैव ऑल काइंड्स I love Dr. Martin, but obviously वो शूट पर नहीं पहन सकते मैंने अभी एक फ़ोटो शूट किया उर्वशी कौर के लिए तो उसमें मैंने वो पहना बट अगेन लाइक स्नीकर्स आर ग्रेट आई हैव अ वाइट पेयर ऑफ वैंस दैट आई वेयर अ लॉट आई लव स्टीव मार्टिन ऑल्सो आई लव कोल हॉर्न तो हाँ मतलब मुझे जूतों का बहुत ज़्यादा फेटिश है तो बहुत सारे जूते खरीदती रहती हूँ No, no, I'm not a gym freak. I don't go to the gym at all. Okay, so any fitness mantra you want to do? I work out at home. Fitness mantra, I don't know. I think if you feel fit, I believe in eating everything. I cannot diet. I'm a Bengali. I eat only rice. And wo aur main bahut sare chocolates khati hu bahut zyada sweet tooth hai mujhe to main roz meetha khati hu so I think one has to keep that's why working out a little bit kyunki hame bahut ajeeb aur ghareeb kapde pehenne hote hai to kabhi kabhi hota hai ki are ye thoda ajeeb lag sakta hai so we have to be in shape but more than that I don't like bulking up and I don't like people who sort of bulk up or just like keep losing weight for the sake of losing weight I think there's no point looking skinny if you're looking unhealthy so I think yeah everyone has a body structure and it should be keeping that in mind because we are all born with a set of you know kind of body structure some people have a broader structure so there's no way they can actually you know shrink and it doesn't even look good so I think being fit, working out is good physically and mentally. So yeah, and drink a lot of water. Phuket return में किस तरह से देखने वाले हैं अभी आओगे? अरे मैं नहीं हूँ Phuket return में. ये ऐसे rumor है मैं नहीं हूँ Phuket में. What is your favorite brand you would love to wear the same question goes to you? Yeah, I'm using it. It's, yeah, because they're all so nice. Nothing like a good pair of kicks, nothing like a good pair of shoes to be worn. I think all of them come with their own kinds of comfort and Absolutely, style, yeah. depending on where you're going, on what part of the, which part of the day, you know, the different brands have different aspects of it. Adidas always has its own things, Fila's have their own, Clarks have their own. Yeah. I'm wearing Clarks today, so it's going to be fun. Normally, you go to the shop, so what time, which footwear is more comfortable you would love to wear? यार मोस्टली तो हां चप्पल गए थे ऑन दैट चप्पल हां व्हेन यू गोइंग टू शूट यू वेयर चप्पल व्हाट डू दे गिव यू टू वेयर और समथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर शूट यू नंगे पैर ही पहुंच जाते हैं भाई नो शॉर्ट्स चप्पल्स एंड टी-शर्ट इज व्हाट वी यूजुअली डू लाइक सम किड्स थैंक्स बडी किड्स आर द किड्स आर द गाइस ऑफ द डे या एनीथिंग दैट रियली डील्स विद अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड थिंग्स दैट आर रियली कंफर्टेबल आर द बेस्ट या ओके जी एक्साइटेड है क्या क्या मस्ती कर रहे हैं बहुत अच्छा है एक एक स्पेयर लिवर लेके आए हैं
तो होपफुली वो काम कर जाएगा शाम भर के लिए. बिल्कुल. आई डोंट थिंक ये कभी किया गया है. ऑल ऑफ यू आर ट्रैवलिंग, एक बस पे सब जा रहे हैं, एक पब क्रॉल होने वाला है, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, मजे आएंगे. एंड आई होप दैट मोर ऑफ दीज हैपन यार, बिकॉज मुंबई जैसी सिटी में इतने सारे वंडरफुल बार्स हैं. एंड आई थिंक एन आइडिया लाइक दिस कुड रियली रियली डू वेल. एंड सो मेनी फ्रेंड्स वी मीटिंग नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप नहीं जाते हैं यूजली बाहर, तो एक जगह पे आप किसी को मिलते हैं. यहाँ पर आप उन्हीं लोगों के साथ पाँच पाँच जगहों पर जाएंगे, चार चार जगहों पर जाएंगे, तो पूरी शाम गुजारेंगे उनके साथ. You know, hang out with them after a long time. Good fun. So looking forward to it. आप sports में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तो वो time पे आप जैसे anchoring में which brand you wear and Well, there are different ones, honestly. But I must tell you, there is a story that I, from one of my first earnings in life, I bought myself a pair of Fila shoes, and they were very nice. And I like, they were my prized possessions because I thought, yaar, ye maine kuch kharida hai, jo maine kuch kamaya hai. To mujhe bade acche lagte the, main bade carefully rakhe usse. Aur kuch time tak maine usse har ek din pehna tha, to wo 2 mahine mein kharab bhi ho gaye the. Lekin mere paas 2 mahine ke liye very prized possession the. But I like all the others. In fact, today I'm wearing Nike, so they're also very good to run in. I love running. So I'm going to run away from this right now. Unless I just do all the okay, talking. Last question. If you want to be brand ambassador of any one brand, so which one they would be? Brand ambassador. I'll take that one. Anything you want. I'll take Nike and Fila. Done. You take Nike and Fila. I'll take Adidas. And I'll take Clarks. चल ठीक है, हमारी सेटिंग हो गई. डन, हमारा हो गया. आप बताइए पेपर वर्क का है. कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करें हम? कॉन्ट्रैक्ट साइन. व्हिच वन इज योर फेवरेट ब्रांड यू वुड लव टू वेयर? देखिए, व्हेन यू आर माय साइज योर फेवरेट ब्रांड इज द ब्रांड हूज शूज कैन कम इन योर साइज. सो प्यूमा गेव मी शूज इन माय साइज. आई डोंट गेट माय शूज इन इंडिया, सो आई लव प्यूमा. ओके, सो बेसिकली आप जब शूट पे जाते हो, व्हाट टाइप ऑफ व्हिच ब्रांड यू वुड लव टू वेयर? जब शूट पे जाता हूं तो ज्यादातर अपने खुद के जूते इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे जूते ढूंढ नहीं पाते. There is Raita with Irfan Khan in February, okay. And then I'm doing a couple of plays, so I stay busy. Okay, thank you so much. You're welcome. Which one is your favorite brand? My favorite brand, I don't want to say favorite brand, then I might not get offered any brands. But no, I love all these brands. Yeah, honestly, it's very tough to choose. Normally, you dance more interesting, like they have sports maybe. So at that time, you which prefer brand you would love to wear? ज़्यादातर मैं बाटा के जूते पहनता हूँ. आई एम बिग फैन ऑफ बाटा शूज़ बिकॉज दे हैव अ वेरी फ्लैट सोल. ऑफ कोर्स नाइकी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज आई एम वेरी आई डू फ्री रनिंग एंड नाइकी इज़ अ वेरी लाइट शू वेयर आई कैन यू रन फ्लिप जंप. सो एनी थिंग दैट्स लाइट एंड फ्लेक्सिबल. इनमें से भी काफ़ी टाइप्स है शूज़ के, स्पोर्ट्स शूज़ हो गए. जैसे मैं कह रहा था, मुझे याद है जब हम स्कूल में थे बाटा जूते पहनते थे, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद होते थे. ओके, नॉर्मली अगर आपको ऑफर दिया जाए किसी एक ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनने का, सो व्हिच वन इट वुड बी? बाटा, दैट्स टफ. नो, आई लव टू डू नाइकी बिकॉज़ आई लव द नाइकी कमर्शियल्स, यू नो, एंड आई लव टू डू समथिंग, यू नो, विद दैट वाइब. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. आज ही एक्चुअली एक्शन शूट करके आया हूँ मैं बागी 2 की, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फिल्म है मेरे लिए और एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि बागी 1 हिट रही है. बिल्कुल, आई थिंक सो, पर वो एक्सपेक्टेड है. टाइगर, जैसे कि आप जिम फ्रीक लगते हैं, आपकी बॉडी हमेशा हर सुर्खियों में रहती है, तो उस टाइम पे आप कौन सा ब्रांड पहनना पसंद करते हैं? आई एम सॉरी, इन अ जिम, ओ पता नहीं, एक बहुत नॉर्मल सा बनियान पहनता हूँ मैं, ट्रैक पैंट्स, ऐसा कुछ नहीं. आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर ब्रांड. I'm very brand conscious. टाइगर, अभी फिलहाल ही हाली फिलहाल में अभी इरफान खान ने वापस से कॉस्ट्यूम कॉज को पर इशू किया है, ये कितना तकलीफ होती है देखा? वो मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में. नहीं, काफ़ी लोगों में समझ होता है. आपका सवाल क्या था? कास्टिंग काउच. कास्टिंग काउच, व्हाट अबाउट इट? कास्टिंग काउच इज सीन मोर इन बॉलीवुड, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? आई हैवंट सीन इट, आई डोंट नो. ओके, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? लाइक नॉर्मली जो newcomers rehte hain, unko I think if you are talented then you know you get work, you know. I always believe that, you know, be so good you can't be ignored. Mm-hmm. You know, be so different, be, you know, be your, you know, be individual, you know, just be the one, focus on your individuality, what makes you special. And I think there's tons of work and scope for everybody out there. And it's just, you know, you've got to work hard on yourself every day. Sabhi ja rahe hain, dekha jata hai, bus
में अब पब के ट्रैवल करने के लिए, पब में जाने के लिए आप मिस करेंगे? आप नहीं जाने से? यार मैं ज़्यादा पब नहीं जाता हूँ, मैं पार्टी वाले किस्म की इंसान नहीं हूँ, पर इसके बाद मैं घर जाके सो जाऊँ। Puma, as you can see, I'm wearing the pink Puma Fenty shoes, and it's so comfortable, it's so stylish. I love Puma. I'm a diehard sporty kind of chick. Like, you know, I like sporty stuff. I'm athletic, so I prefer more sporty brands. Okay, while shooting, which brand you would love to wear, and in which footwear you are more comfortable? Sneakers, as I'm here supporting the Myntra Sneaker Club, and I love sneakers because they're so comfortable, and I usually end up breaking my leg every month. So I'm not too much into heels, so I love wearing shoes. I like to be comfortable when I walk, I want to run around, I want to do a lot of stuff. So yeah, I prefer sneakers. Bahubali ke aane wale suits mein aapko shayad Bahubali nahi, kaun sa Bahubali? Nahi, Sangamitra. तो संगमित्रा में आने वाली हूँ और बागी टू के लिए कौन सा क्वेश्चन कौन सा कितना एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, या ऑपोजिट टाइगर शॉप, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड अभी पिक्चर बाकी है कंप्लीट होना, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आई होप पीपल लाइक इट। ओके, सो इफ अगर आपको ऑप्शन मिले ब्रांड एम्बेसडर बनने का कोई भी एक ब्रांड का, सो विच ब्रांड यू वुड लव टू चूज अमंग्स लाइक विच कैटेगरी? Like sports category. Puma. My dream actually came true. I love Rihanna, oh God. And she's like the creative head of Puma, and I just love Puma. It's so cool. Okay, जैसे कि भागी टू में आप stunts करते हुए नजर आएंगे, तो उसमें कोई आपने secret? Typical... You'll see. ओके, थैंक यू सो मच। सो वी हेयर टू सपोर्ट द Myntra स्नीकर क्लब, जहाँ तक हम सब जानते हैं, इनफैक्ट लुक एट एवरीवन हियर, दे आर ऑल वेयरिंग स्नीकर्स, देयर इज अ रीजन, दे आर द मोस्ट कंफर्टेबल फुटवेयर। इनफैक्ट मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने अभी नहीं पहने हुए, मैं सीधा प्रमोशन से आई हूँ, सो आई डिडंट हैव अ चांस टू गो चेंज, बट आई थिंक पर्सनली पहले तो आपके पैरों को प्रोटेक्ट करता है, सेकेंडली आई थिंक दे सुपर कम्फर्टेबल एंड दे गिव यू द राइट काइंड ऑफ अलाइनमेंट, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई एम ऑल फॉर द Myntra स्नीकर क्लब, वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। हाँ जी, सो जैसे कि नॉर्मल शूट पे आप कौन सा फुटवेयर में कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं? आप मुझे ज़्यादातर वाइट स्नीकर्स में ही पाएंगे, लाइक नॉर्मली वो जो स्लिप ऑन वाले स्नीकर्स होते हैं ना, मैं वो पहन लेती हूँ, क्योंकि गेटिंग इन एंड आउट ऑफ देम बहुत ईजी रहता है। ओके, सो अभी आपकी फिल्म आने वाली है जी, शादी में सरगाना, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड है अभी आप, और कितने बॉलीवुड इंडस्ट्री से ट्रेलर लॉन्च होने के बाद किसी ने कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया होगा? बहुत सारे, इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा कोई ट्रेलर बाहर निकला और मुझे लोगों इंडस्ट्री में से लोगों ने मैसेज करा है खुद सामने से, तो वो फीलिंग बहुत प्यारी लगती है। किसी को मेंशन करना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, दैट्स माय पर्सनल फीलिंग, मुझे वो अपने आप से बड़ी खुशी होती है, अगर वो कभी बोले तो वो उनकी मर्जी है, बट मेरी मर्जी नहीं है वो। अच्छा, आपने शादी में किस तरह के लड़के को पसंद करेंगे? रिलेशनशिप नहीं, आप सीधा शादी तक पहुंच गए। आई थिंक समवन हु इज ट्रस्टवर्दी इन टर्म्स ऑफ, जो ऑनेस्टी एक छलकती है एक बंदे में, आप समझ सकते हो कि वो झूठ बोलने वालों में से है कि नहीं, क्योंकि झूठ से मुझे कुछ ज़्यादा ही नफरत है, तो अगर आप सच बोलते हैं, आपकी आंखों में वो सच्चाई है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आई बी वेरी हैप्पी टू चूज हिम एज माई लाइफ पार्टनर। अच्छा, शादी के इसके अलावा और कुछ प्रोजेक्ट? अभी फिलहाल वीरे की वेडिंग की शूट चल रही है, ऑल्सो यमला पगला दीवाना फिर से, तो 10 नवंबर के बाद मेरी छुट्टी ख़त्म, जो उनको लगता है कि मैं छुट्टी ली हुई है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ, तो यमला पगला का नेक्स्ट शेड्यूल विल स्टार्ट ऑन द 14th of November। काफ़ी बिजी शेड्यूल? हाँ, अभी तो काफ़ी बिजी है, हमें जनवरी तक पिक्चर ख़त्म करनी है कैसे भी करके। वेल, पहले तो मैं कह सकता हूँ कि इतना स्टाइलिश एक ब्रांड है कि आज जब इन्होंने न्योता देना समझा कि हम इस लायक हैं कि इस इवेंट पे आए, तो दोनों ही रुक्मिणी और मैं बहुत बेहद खुश थे, तो बहुत उत्सुकता से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं हम, आप हमें छोड़ें तो हम अंदर भागेंगे, बट इट्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट, इट्स नाइस, इट्स अमेजिंग, Myntra इज़ ऑलवेज यू नो अ कोलैबोरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ स्टाइल्स, एंड टुडे रुक्मिणी एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू बी वेरी कैजुअल, निशिका इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड शी इन्वाइटेड अस फॉर द इवेंट, निशिका लुल्ला, सो वी डिसाइडेड दैट वी विल जस्ट कीप इट सिंपल, सो बोथ ऑफ अस वर काइंड ऑफ यू नो डिसाइडिंग वॉट टू वेयर, एंड Trust me when I'm saying this, coincidentally we just picked out an ensemble which was twinning and it was not decided, it was completely not planned for and we just happened to be twinning coincidentally. आप क्या कहना चाहेंगे मैम?
Are you excited? Yeah, I'm very excited. I mean, it's really awesome. It's nice. It's cool. Talk about the sneakers. Okay, let's talk about the sneakers. We are wearing these. Yeah. Matching collector shoes. Exactly, matching clothes, matching shoes, and there was no point going and changing. We'll carry on with this only. Also, the sneaker club is very cool. I think they have a variety. Today, I think fashion conscious people are more conscious about their footwear. You know, there was a long time ago when people used to say that if you want to judge a person and his personality, check his shoes out. And till date, I think that follows. In fact, as the generations pass down, they become more conscious about their shoes. I've seen people invest more into their shoes than into their clothes. And so I'm glad that they gave me and my wife these sneakers today. And we just wanted to come and support these guys out here and just have fun. गोलमाल में नेगेटिव में काफ़ी सारा गया इसके अंदर. शाहू के लिए आप हमें जितने की इन्फॉर्मेशन लगे, आपने जिम का रूटीन भी चेंज कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से. अब उम्मीद कर रहा हूँ कि जो प्लान किया है उस तरीके से बॉडी बन जाए. बहुत मुश्किल है क्योंकि पहली बात, जब मैंने पहले भी कहा कि 3 languages में फिल्म बन रही है, तो लुक्स और सब सारी चीज़ें जो हैं बहुत बाद में आती हैं. मैं तो उन चीज़ों पर कॉन्सनट्रेट करता ही नहीं, मगर कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप पकड़ नहीं पाएंगे कि क्या फिल्म में क्या हो क्या रहा है. और सुजीत हाल ही में, उनका कल ही एक्चुअली उनका बर्थडे था, प्रभास का हाल ही में बर्थडे था उनका, तो दोनों ही जो हैं बहुत लगन से और बहुत प्यार से उन्होंने इस फिल्म को बांध के रखा है. और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए. और गोलमाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सराहा, बहुत इज्जत दी उसके लिए. तो क्या अभी लोगों को कुछ न्यू देखने के लिए मिलने वाला है शाहू में? शाहू में आप देखिए बहुत कुछ है उसमें, एक्शन तो अव्वल नंबर का. मैम कितना हेल्प कर रही है आपकी जगह? मेरी किस्मत बदली है तो इनके आने से. और लाइफ पार्टनर अगर अच्छा है तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं. इन्होंने एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुझे 100% दी है, वो है मुस्कान एक चेहरे पर. तो वो जो एक टेढ़ी लकीर है वो सारी चीज़ें सीधी कर रही हैं. Anyways, thank you. What do you have to say about the Mintra Speaker Club? So, yeah, I think it's fantastic क्योंकि एक नाइट क्लब में, एक पब क्रॉल में, एक पब, हाँ कहीं कहाँ जाऊँगी कैमरा में, कहाँ जाऊँगी फॉर अ नाइट पब क्रॉल. आई थिंक ड्रेसिंग अप दिस कम्फी, आई थिंक ये हमेशा होना चाहिए. एंड थैंक्स टू Mintra Sneaker Club, वी गेट टू डू दैट. आई एम वेयरिंग सम रियली cool sneakers today, and yeah, my best friend Nishka is hosting this show, so I'm just here to support her. In mein se agar kisi ka brand ambassador banne ka chance mile to iska brand ambassador banna chahenge? May the best one. Okay, so jab aap shoot pe jaate hai to which comfortable footwear you would love to wear? You know, nothing like flats. I mean, har ladki ka yahi sapna hota hai ki kaash wo just flats mein jiye. And of course nothing looks better than heels. But yeah, there's a certain comfort and, you know, that freedom that you get. You know, you can jump from here to there without even having to think. So yeah, I love sneakers, and this is like, I'm enjoying wearing it like this. This is fun. आप social work भी करते हुए दिख रहे हैं, आपने ऐसे questions वगैरह recently किए, तो किस तरह का experience रहा? Well, I just do causes and I go for causes that I really believe in. And Beti Bachao Beti Padhao is one cause. And then there is, recently I did something for Helping Hands. So, मुझे जब जब ऐसा मौका मिलता है, स्वच्छ भारत की एम्बेसडर हूँ, सो जब जब मुझे मौका मिलता है कुछ करने का जिससे मैं कनेक्ट करती हूँ, आई मेक श्योर आई डू इट. Sorry. Yes, I'm doing a lot of interesting projects down south, and I'm also listening to a lot of scripts here. I think Mintra is doing a very nice thing by collaborating with all the sneaker brands, and I'm very excited to be here. Mintra has always been very credible for shopping, and I'm excited that they have all my favorite sneakers. हाँ बिल्कुल, मैं बहुत कैजुअल पर्सन हूँ और मुझे वैसे ही रेडी होना पसंद है, और मैं स्नीकर्स में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ. अभी नहीं पहने लेकिन यूजुअली मैं दिन में स्नीकर्स ही पहनती हूँ. अच्छा, ब्रांड की बात करें तो कौन सा ब्रांड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? स्नीकर्स में ASICS टू वर्कआउट. यस मैम, अभी एकदम के ब्रांड सक्सेस के बाद में MLA भी आई, आप जी किस तरह के?
वेल बहुत बिजी टाइम है. मैं इनफैक्ट अभी परसों ही जा रही हूँ मेरी दूसरी शूट के लिए, और मैं बहुत ही लकी हूँ. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी दोनों फिल्म्स मैरसल और विवेकम इतनी बड़ी हिट्स रही हैं. एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू गाइस. मैम, बिग बॉस के कंटेस्टेंट है हिनास खान, उन्होंने अपने साउथ की इंडस्ट्री में बहुत काम किया. उन्होंने साउथ एक्ट्रेस को बल्गिंग बोला, एक कमेंट मारा. सॉरी, क्या बोला? बल्गिंग, ब्लॉगिंग. मतलब थोड़ा मोटा या बल्कि. अच्छा, मैंने तो ये नहीं सुना था. उन्हें शायद पिक्चरें देखनी चाहिए फिर कमेंट करना चाहिए. मुझे नहीं लगता वो सही बात है. आई डोंट रियली वॉच टू मच टेलीविजन, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें शायद साउथ की फिल्में देखनी चाहिए और फिर कमेंट करना चाहिए. ठीक है, थैंक यू, बाय.